जो हमने लास्ट क्लास में आपको बायो सेवर को बताया था, बायो सेवर लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये बहुत छोटा करंट कैरिंग वायर है, ये इसकी इस बिंदु पी से दूरी जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसकी दूरी ये यहाँ से आर है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये ए बी है, तो बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो ये डीवी कितने की इक्वल आ जाती है, यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इतना हमने आपको लास्ट क्लास में कैलकुलेट करके बताया था। फिर ये भी बताया था कि अगर कुल तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है तो बी का इंटीग्रेट कर लीजिए, तो बी का इंटीग्रेट आप क्या करेंगे, डी बी से करते हैं। इसी का हम एक एक्सप्लेनेशन या एक एप्लीकेशन ऑटो तो लेकर चल रहे हैं, वो एप्लीकेशन आपके पास ये है, ठीक। किसी धारावाही चालक तार के कारण उसके केंद्र पर चुंबक की तीव्रता, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैं कैलकुलेट यहाँ पर करता जा रहा हूँ, ठीक। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, मैंने एक वृत्ताकार चालक तार ले लिया, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसको करने के लिए इसका एक छोटा सा पार्ट dl ले लिया, कि यहाँ से दूरी ये R के बराबर है। सबसे पहले दाएं हाथ के हथेली के नियम से या थंब रूल से मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, तो यहाँ 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 केंद्र पर तीव्रता अगर मैं निकालूं तो ये धारा है, तो तीव्रता की दिशा अंदर होगी, इसको मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ। ये dl है और इसके बीच का कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, अगर मैं इसको तो देखूं तो बायो सेवर्ट के नियम से dl धारा वही चालक तार के कारण तीव्रता, ये कितने के इक्वल हो जाएगी, dv, छोटे से तार के कारण छोटी सी तीव्रता डीवी के बराबर हो जाएगी, यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आएगा।
धारा कितनी फ्लो हो रही है आई, छोटा सा वायर कितना हो गया डीएल साइन थीटा। साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, डीएल और आर के बीच का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 अपॉन ये दोनों के बीच की दूरी कितने के बराबर हो गई, आर के बराबर। तो डीबी मेरे पास आ जाएगा, डीबी इक्वल टू यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 1 के मान के बराबर होता है। अब इतने से वायर के कारण है तो टोटल तीव्रता निकालना है, तो मैं क्या कर देता हूँ सबका इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, इसलिए कुल तीव्रता B बराबर आप इंटीग्रेट कर लीजिए dB का कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dl का कर दीजिए, ये आ गया dl यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, कितना जाएगा म्यू नॉट अपॉन। यस बच्चों देखो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो ये आ गया आपके पास b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। इस dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन कितने के इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल, क्यों, एक वृत्ताकार मार्ग की कुल परिधि कितने के बराबर होती है, 2 पाई आर। तो ये देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल, आर एक आर से कैंसिल, तो आपके पास कितना बचेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। मैंने कल चुंबकीय क्षेत्र की दो यूनिट बताई थी, एक टेस्ला बताई थी, एक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर बताई थी, यहाँ पर मैं टेस्ला को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है क्लियर। तो ये वृत्ताकार धारावाहिक चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। दो पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये इनका डेरिवेशन पूरा आपके फुल सिलेबस में था, आजकल हम इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक अनंत लंबाई ये बेजू रेखी धारा वही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये ध्यान रखिए। तो करने के लिए देखिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक अनंत लंबाई के चालक तार में से एक तार का कुछ पार्ट निकाल लिया, इसमें हो तो धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसका बिंदु पी लिया, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाली तो कहाँ चली गई, अंदर क्रॉस की वैल्यू के इक्वल चली गई। मैंने इसको और इसको मिलाया, इससे मान लीजिए O दूरी पर ठीक एक A है और मैंने यहाँ पर छोटा सा तार का भाग लिया A, ये कोण अल्फा 1 और ये कोण माइनस अल्फा 2 ले लिया और यहाँ से ये अल्फा ले लिया। जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास दो रिजल्ट आते हैं, इस धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 के इक्वल आता है।
दूसरा, यदि चालक कार की लंबाई अनंत है तो हमारे पास, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ आता है, इसलिए ये दो कोण कैसे हो जाते हैं 90 90 डिग्री। तो अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए बी यहाँ पर कितने के इक्वल आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, 1, तो ये 1 प्लस 1 2 के इक्वल हो जाता है, इसलिए b इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए के इक्वल आता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसी को लेकर हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज़ करेंगे और इसी रिजल्ट को लेकर मैं एम्पियर के परपथ नियम को परिभाषित कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास है एम्पियर का परिपथ नियम, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एम्पियर कैपिटल, ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक, इस नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चलता है, किसी बंद प्रस्थ के लिए उसके की क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय फलन फलन है, रेखीय, और इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, इसको बोलता हूं रेखीय समाकलन प्रस्थ के अंदर से प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुणा होता। एक किसी बंद पृष्ठ के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रैखिक समाकलन पृष्ठ के अंदर से प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना का है। मान लीजिए एक मेरे पास ये पृष्ठ है और यहाँ पर ये धारा वही चालक तार आई है। ठीक, तो मान लो ये धारावाहिक चालक तार है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को हम यहाँ पर निकालें किसी बंद पृष्ठ के लिए
मैं क्या करता हूँ, इसका छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ और यहाँ से इसकी दूरी r मान लेता हूँ। और आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर dB के मान के बराबर होती है। इसके स्टेटमेंट में ये आता है कि मेरे को प्रूफ ये करना है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये मेरे को यहाँ पर प्रूफ करके बताना है। तो देखिए, मैंने ये वाली कंडीशन ली और यहाँ पर इस कोण का मान कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा की दिशा यहाँ पर बनी है। तो देखिए, मैं एक छोटे ये वाले पार्ट को मैं dB बोल देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा करते 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 आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास, मान लीजिए यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँ तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मेरे पास इस पृष्ठ पर छोटे 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 पार्ट में B है, तो एक मैं यहाँ का निकालूँ, पूरे को इंटीग्रेट करूं। तो ध्यान रखिए, जब भी अपन बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाला साइन लगा लेते हैं, बी डॉट डी एल मैंने कर लिया। जब भी अपन किसी बंद पृष्ठ, जैसे ये बंद पृष्ठ है, इसका इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये इंटीग्रेशन का ये वाला साइन लगाएंगे। अब आप देखिए, मैं यहाँ 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 करते 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 पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालूं, देखिए मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, B, D, L, ठीक। यहाँ पर आप होता देखिए, ये इस कोण को आप हटा दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये वाला कोण मैंने क्यों लिया 90 डिग्री। आप इसको तो ध्यान रखिए, ठीक है। आप देखिए B और DL दोनों की दिशा एक ही होगी, इसलिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, मेरे पास cos 0 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक। दैट इज इक्वल टू cos 0, मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन B D L cos 0 1 के इक्वल हो गया। इंटीग्रेशन B कितने के इक्वल हो गया, यहाँ पर अब भी मैंने बताया था कि अनंत धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता, म्यू नॉट अपॉन 4π2i/a। तो यहाँ से एक चालक तार इनफाइनाइटली जा रहा है, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4π2i/, इसकी त्रिज्या r के बराबर है, r कर लीजिए। इसलिए क्या कंडीशन आएगी, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट अपॉन, ये dl इसका चलता रहेगा, अपॉन 4π कांस्टेंट, 2i कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन मेरे को कितना करना है, dl के इक्वल करना है। तो आप देखिएगा, इसको नेक्स्ट पेज में मैं करा दे रहा हूँ, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, देखिए आपके पास क्या कंडीशन आ गई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन E डॉट dl इक्वल टू, मैंने कितना लिया था, B डॉट म्यू नॉट अपॉन 4π2i/r dl। इसमें से आप क्या कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4π को कॉमन ले लीजिए, 2i/r, ये चला गया इंटीग्रेशन dl। एक बंद पृष्ठ के लिए अगर जिसकी त्रिज्या r है, dl कितने के इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2i/r, dl हो जाता है 2π r के इक्वल। ये r कैंसिल, π कैंसिल, 2 × 4, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। यही एम्पियर सर्किट का लॉ है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन म्यू नॉट गुना होता है जितना करंट इसमें से फ्लो होता है। तो ये आपके पास रिजल्ट आया, ठीक है, नोट करके रखिएगा बच्चों।